हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपका प्यारा सा चैनल तनु क्लासेस आर्ट को में। दोस्तों, आप लोग हमेशा सुनते होंगे कि कोई फिजिक्स को जो है 4 घंटा करके पढ़ता है, कोई अगर हिस्ट्री को 4 घंटा 5 घंटा पढ़ता है, लेकिन दोस्तों वो अच्छे मार्क्स नहीं ला पाता है। और आप एक बात और सुनते होंगे, अगर आप टॉप करना चाहते हैं, जी हाँ, अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको हिंदी यानी कि लैंग्वेज सब्जेक्ट, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, संस्कृत हो गया, और या फिर और भी कोई सब्जेक्ट है दोस्तों जो कि लैंग्वेज सब्जेक्ट है, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर फिजिक्स का सब्जेक्ट है या फिर हिस्ट्री सब्जेक्ट है, आप पूरे साल तैयारी कीजिएगा, फिर भी आपको मार्क्स इतना मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा 80 या फिर 90 या फिर आपको 70, जी हाँ। लेकिन वहीं पे दोस्तों अगर व्याकरण आप थोड़ा सा भी ध्यान दीजिएगा, हिंदी जो बुक होता है अगर उसमें थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान दे दीजिएगा, तो दोस्तों आपको 100 में से 100 मिलने का 100% चांस है, जी हाँ। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि अगर आप टॉप करना चाहते हैं और अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आपको हिंदी को जो है शुरू से अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से पढ़ना होगा, क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट जो है वो काफी आसान, बहुत ही ज्यादा आसान होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स का न्यू सिलेबस के बारे में। जो भी स्टूडेंट 2023 में एग्जाम देने वाले हैं, उसके लिए वीडियो काफी इंपोर्टेंट है, क्योंकि आपका चेंजेस, क्या क्या बदलाव किए गए हैं, क्या क्या एग्जाम का पैटर्न रहेगा, यानी कि क्वेश्चन जो 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था, क्या वही 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा या फिर कुछ इस बार बदला होगा, और क्या कौन सा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, क्या कोई चैप्टर डिलीट किया गया है या फिर कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद कैसे आपको तैयारी करना है, कौन सा बुक से तैयारी करना है, पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा, इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो प्लीज आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट है या फिर साइंस के या फिर कॉमर्स के, सभी के लिए हिंदी जो है सेम होता है, ठीक है। और एक चीज यहां पर देख ध्यान दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं सभी स्टेट बोर्ड में, चाहे आप हिस्ट्री का बात करेंगे यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सभी स्टेट बोर्ड में दोस्तों सेम होता है, लेकिन हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो अलग अलग होता है, क्योंकि ये लैंग्वेज सब्जेक्ट है और ये जो है बिहार बोर्ड के लेवल का होता है, ठीक है। और क्योंकि हमारे चैनल पे ज्यादा बिहार बोर्ड के स्टूडेंट जुड़े हैं, इसलिए यहाँ पर आपको जो है बिहार बोर्ड का हिंदी 100 मार्क्स पढ़ाया जाएगा, ठीक है। बाकी हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी सभी बोर्ड का सेम होता है, लेकिन सिर्फ एक हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अलग अलग होता है। तो यहाँ पर हम लोग बिहार बोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला आपका प्रश्न क्या था कि इस बार क्या बदला हुआ है, और एग्जाम का पैटर्न यानी कि क्या वही ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा जितना पूछा जाता था 2021-22 में, या फिर वही सब्जेक्टिव, या फिर यानी कि बदलाव इस बार क्या हुआ है, उसको पहले जानते हैं, ठीक है। देखिए, अगर दोस्तों हम लोग बात करें पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर फॉर 2023 एग्जाम, यानी कि 2023 में आप लोग एग्जाम देने वाले हैं, तो क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो क्या रहेगा, तो आप लोग जानते हैं दोस्तों टोटल हिंदी जो है वो 100 मार्क्स का होता है, यानी कि इसमें कोई भी प्रैक्टिकल मार्क्स नहीं होता है, 100 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 मार्क्स ला भी सकते हैं, जी हाँ। दोस्तों, इसमें जो है टोटल आपको 50 मार्क्स मिलता था ऑब्जेक्टिव से, और 50 मार्क्स आपको सब्जेक्टिव से मिलता था, ठीक है। यहाँ पर दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक आपको पूछा जाता है हिंदी व्याकरण से, ध्यान दीजिएगा बहुत ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो दोस्तों, एक आपको रहता है क्या हिंदी व्याकरण, और एक रहता है दिगंत। अगर आप लोग 12th क्लास का बुक का बात करेंगे तो क्या नाम है दिगंत, ठीक है। तो दिगंत से जो है आपको कितना मार्क्स पूछा जाता है, 50 मार्क्स। वहीं पर अगर बात करेंगे हम लोग हिंदी के बारे में, तो यहां से भी दोस्तों आपको 50 मार्क्स पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए, आपको दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी में, एक ऑब्जेक्टिव जिसको हम लोग बोलते हैं वास्तुनिष्ठ, और एक सब्जेक्टिव, ठीक है। यानी कि आपको सब्जेक्टिव 50 मार्क्स का पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स का। टोटल आपको ऑब्जेक्टिव जो है 100 दिया जाएगा, क्योंकि 2021 और 2022 में भी आपको 100-100 करके ऑब्जेक्टिव दिया जाता था, जिसमें से आपको सिर्फ 50 बनाना होता था। 2023 में भी दोस्तों कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, वही आपको 100 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा और जिसमें से आपको 50 बनाना है। अभी भी सिलेबस में आपका कोई भी बदलाव नहीं हुआ, जैसे ही होगा इस चैनल पे आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 दिया जाएगा, जिसमें से आपको 50 ही बनाना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव का बात हो गया, ठीक है। 50 नंबर क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं सब्जेक्टिव के बारे में। सब्जेक्टिव जो है टोटल आपको 50 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें से लेटर राइटिंग यानी कि किसी को आवेदन पत्र लिखना है, यहाँ पर गद्यांश वगैरह सब कुछ दिया हुआ रहेगा, सेंटेंस बनाना, ठीक है। तो सब्जेक्टिव आपको टोटल 50 मार्क्स का पूछा जाएगा, 50 में से शॉर्ट क्वेश्चन आपको 30 मार्क्स का, लॉन्ग क्वेश्चन आपको 20 मार्क्स का, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो दुगुना रहेगा, यानी कि 30 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको ओनली 15 ही बनाना है, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, तो टोटल आपको 30 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। वही भी बात करेंगे टोटल लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि दीर्घ प्रश्न के बारे में, तो टोटल 8 दिया जाएगा, जिसमें से आपको 4 बनाना है, और एक क्वेश्चन में आपको 5 मार्क्स मिलेगा, तो टोटल आपको बन गया 20 मार्क्स, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है, तो अतः हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि इस बार कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है, और पैटर्न जो है आपका बिल्कुल वही रहेगा जो कि 2021 और 22 में था, ठीक है। और कोई भी बदलाव होगा मैं आपको बता दूंगा। अब कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है, तो क्योंकि हम लोग यहाँ पर बिहार बोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो दोस्तों बिहार बोर्ड जो है
कोई भी चैप्टर को इस बार डिलीट नहीं किया था, जी हाँ, ना ही 2021 में ना ही 2022 में। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 2023 में भी जो है आपका कोई भी सिलेबस में बदलाव नहीं हुआ है। टोटल आपको 26 चैप्टर, क्योंकि हिंदी को यानी कि क्लास 12 का जो हिंदी है उसको दो भाग में बटाया गया है, एक का नाम है गद्य खंड, ठीक है, और एक का नाम है दोस्तों काव्य खंड, ठीक है। तो काव्य खंड में जो है टोटल आपको कितना चैप्टर मिलेगा, काव्य खंड में आपको टोटल 13 चैप्टर मिलेगा, उसी तरीके से गद्य खंड में जो है आपको टोटल 13 चैप्टर मिलेगा, ठीक है। और 26 चैप्टर आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कोई भी चैप्टर को डिलीट नहीं किया गया है, यानी कि कोई भी चैप्टर आपको नहीं छोड़ना है। अब कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो आप लोग जानते हैं, सबसे पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, अर्धनारीश्वर, ठीक है। उसके बाद आपका सिपाही की मां, जो कि काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद आपका फिर आ जाते हैं दूसरा बुक में, दूसरा बुक का जो करबक चैप्टर है वो काफी इंपोर्टेंट है। तुलसीदास के पद, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न आपका पुत्र वियोग के बारे में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, प्यारे नन्हे बेटे को, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जिसमें हम लोगों ने वीवीआई लगाया है वो आपका जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, जिसमें भी वीवीआई, जैसे कि तुलसीदास के पद हो गया, उसके बाद आपका करबुक हो गया, उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग ऊपर की बात करें तो सिपाही की माँ हो गया, उसके बाद अर्धनारीश्वर हो गया, ठीक है, और संपूर्ण क्रांति हो गया आपका, उसने कहा था हो गया, बातचीत हो गया। तो ये सभी चैप्टर जो है आपको इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कम से कम आपको 5 से लेकर 10 मार्क्स तक, यानी कि 10 अंक तक प्रश्न जो है पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये सभी चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जितना भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है बता दिया, और टोटल 5 से लेकर 10 मार्क्स तक पूछे जाते हैं। अब कौन सा बुक पढ़ना है, तो देखिए हिंदी के लिए आपको ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, बस आपको हिंदी का बुक ले लेना है जो एनसीईआरटी मिलता है, ठीक है। उसके बाद एक आपको एक कुंजिका ले लेना है जहां पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना हुआ रहता है, वैसे तो मैं भी आपको सारा क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन अगर आप सेल्फ करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अगर आप सेल्फ नहीं करना मतलब कि अगर आप बुक से नहीं पढ़ना चाहते, वीडियो ही देखना चाहते हैं, तो कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो हिंदी के लिए अगर कोई भी बुक आप नहीं लेंगे तो भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तैयारी कैसे करना है दोस्तों, तो जैसे आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, उसमें अगर आप लोग आधा घंटा मतलब कि 2-3 घंटा रोज का देते हैं, ठीक है, वैसे हिंदी में जो आप कम से कम आधा घंटा दीजिए, मैं आपको 100% गारंटी देता हूं। ये दोस्तों आपको अगर टॉपर बनना चाहते हैं, टॉप करना चाहते हैं, तो आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट जो है अच्छे से आना ही चाहिए, जी हाँ। बहुत सारे स्टूडेंट लैंग्वेज सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। तो तैयारी करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि शुरुआत से जो है आपको हिंदी पढ़ना है, और कोशिश यही कीजिएगा जब सोने जाइएगा उस समय आधा घंटा पढ़ के आपको सो जाना, ठीक है। तो चलिए, ये सभी चैप्टर आपका ध्यान दीजिएगा, बातचीत एक चैप्टर का नाम है, दूसरा चैप्टर का नाम है उसने कहा था, तीसरा का नाम है संपूर्ण क्रांति, चौथा का नाम है अर्धनारीश्वर, पांचवा का नाम है रोज, छठा का नाम है एक लेख और एक पत्र, सातवां का नाम है वो सदा निरा, आठवां का चैप्टर का नाम है सिपाही की मां, नौवां चैप्टर का नाम है परगीत और समाज, दसवां का है जूठन, ग्यारहवां चैप्टर का नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन, उसके बाद बारहवां चैप्टर है त्रिक्ष, तेरहवां है शिक्षा, ठीक है। फिर उसके बाद काव्य खंड की अगर हम लोग बात करें तो चैप्टर 1 का नाम है आपका करबक, दूसरा का नाम है दोस्तों सूरदास के पद, तीसरा का नाम है तुलसीदास के पद, चौथा का नाम है छप्पय, पांचवा का नाम है कवित्त, छठा का नाम है तुवल कोलाहल कलह में, सातवां का नाम है पुत्र वियोग, आठवां का नाम है उषा, नौवां का नाम है जनजन का चेहरा है, दसवां का नाम है अधिनायक, ग्यारहवां का नाम है प्यारे नन्हे बेटे को, बारहवां का नाम है हारजीत, तेरहवां का नाम है गांव का घर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिए कोई भी अगर आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वीवीआई प्रश्न चाहिए तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, गूगल पर जाना, वहां पर आपको तनु क्लासेस सर्च करना है, वहां पर आपको सभी सब्जेक्ट का वीवीआई क्वेश्चन जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आपको ये समझ में आ गया कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको क्वेश्चन का पैटर्न भी बता दिया कि इस बार का पैटर्न जो है क्या रहेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे जो हम लोग न्यू बैच स्टार्ट करने वाले हैं 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए, उसमें आपके क्या क्या होगा, कैसे आपका टाइम टेबल बनेगा, कैसे कैसे सिलेबस आपका खत्म होगा, कब तक खत्म होगा, और हम लोग आखिर पढ़ाई कैसे करेंगे बिल्कुल फ्री में, वो चीज दोस्तों आपको इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को जो भी अभी तक लाइक नहीं किए एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते इस चैनल के बारे में। आर्ट्स में जितना भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर आपको जो है पूरा एक्सप्लेनेशन करवाएंगे, यानी कि पूरा आपको थ्योरी पढ़ाएंगे, ठीक है, पूरा थ्योरी, सिर्फ क्वेश्चन नहीं, पूरा थ्योरी। उसके बाद फिर इसका जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा उसको दोस्तों मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद जो ऑफिसर मॉडल पेपर 2017 का है, 18-19 का है, 20-21 का है, 22 का है, तो सभी मॉडल पेपर भी आपको करवाएंगे। उसके बाद मार्केट में जो मॉडल पेपर मिलता है वो भी दोस्तों आपको करवाएंगे, ठीक है, ये सब कुछ आपको करवाएंगे, डोंट वरी इसके लिए। फिर हम लोग प्रैक्टिस सेट भी करेंगे, ये प्रैक्टिस सेट कब करेंगे तो दोस्तों ये एग्जाम से 2 महीने या फिर 3 महीने पहले, ठीक है, अभी नहीं, 2 महीने या फिर 3 महीने पहले जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे कि हम लोगों ने 2022 वाले छात्र के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया था टोटल 2009 से लेकर के 2021 तक, जी हाँ, हम लोगों ने जो है 2009 से लेकर के 2021 तक ऑलरेडी हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि जो पिछला साल पूछा गया है वो कर चुके हैं, ठीक है। और इस बार यानी कि 2023 में जो वो एग्जाम देने वाले छात्र होंगे तो उसके लिए जो है 2009 से लेकर के 2022 तक आज तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों
वहां पर जो है मैंने कि आपको सारा चीज करवाया जाएगा क्वेश्चन बैंक में, ठीक है। उसका लाइव टेस्ट लेंगे, ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज क्विज टेस्ट भी लेंगे, स्पेशल एग्जाम टिप्स भी आपको देंगे, और भी कुछ अगर आपको जब होगा कुछ अगर अनाउंसमेंट वगैरह तो वो भी आपको बता दिया करेंगे, ठीक है। पीडीएफ के लिए आपको सर्च करना तनु क्लासेस, या फिर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए कोई भी नोटिस के लिए पीडीएफ वगैरह के लिए, वहां पर भी आपको क्या सर्च करना तनु क्लासेस सर्च करना, ठीक है। चलिए अब हम लोग इंपॉर्टेंट नोटिस में आते हैं कि आपको पीडीएफ आकर प्राप्त कैसे करना, ठीक है। वैसे दो चीज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, तो प्लीज मेरी बातों को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला कि पीडीएफ जो है आप खुद से भी बना सकते हैं, एक पीडीएफ खुद से भी बना सकते हैं या फिर एक खरीद सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं आपको कहूंगा कि आप खुद से बनाइए। खुद से बनाने पर क्या होता है कि आपका राइटिंग प्रैक्टिस होगा, आपको याद जल्दी होगा, आपको मेहनत तो ज्यादा करना पड़ेगा ही, लेकिन आपको याद वगैरह मेहनत मतलब कि जल्दी होगा, ठीक है। यानी कि आपको ये खुद से अगर मेहनत करेंगे, खुद से अगर लिखेंगे तो, ठीक है। वहीं पर अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, अगर आप खुद से नहीं यानी कि आप पीडीएफ वगैरह लेना चाहते हैं तो उसको कितना पेमेंट अमाउंट करना पड़ेगा, मतलब कि जमा करना पड़ेगा, वो भी इस वीडियो में आपको बता देंगे। अगर आप एक सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहते हैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट का, ठीक है, तो दोस्तों आपको कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा जिसका प्राइस कितना है 99, ठीक है। वहीं पर अगर आप ऑल सब्जेक्ट का चाहते हैं, जैसे किसी का 5 सब्जेक्ट होता है, किसी का 6 सब्जेक्ट होता है, तो ऑल अगर सब्जेक्ट आप चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो है यहाँ पर यानी कि एक प्रकार का बोल सकते हैं कि टोटल आपको जो है 250 रुपये मिले लगेगा, ठीक है। इसका प्राइस तो वैसे 399 था, लेकिन हम लोगों ने जो है आप लोगों के लिए 250 करवाया। तो अगर आप एक सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहते हैं तो आपको 99 रुपये, वहीं पर अगर आप ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहते हैं दोस्तों तो वहां पर आपको सिर्फ 250 रुपये ही लगेगा, ठीक है। चीजें आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको मिलेगा और आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा, पेमेंट आपको कैसे करना है, सब कुछ आपको बता देते हैं, ठीक है। 99 रुपया एक सब्जेक्ट का, 2 सब्जेक्ट अगर लीजिएगा आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर आप 2 सब्जेक्ट लेते हैं दोस्तों तो आपको 150, 3 सब्जेक्ट लेते हैं तो 199, 4 सब्जेक्ट लेते हैं तो 250, ठीक है, और 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट भी रहेगा तो भी आपको 250 रुपया ही पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। ये सभी सब्जेक्ट का आपको मिलेगा, हिस्ट्री का मिलेगा, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल का, इकोनॉमिक्स का, साइकोलॉजी का, होम साइंस का, हिंदी का, इंग्लिश का, इंग्लिश का भी तैयार हो रहा है लेकिन ये भी बहुत जल्द तैयार हो जाएगा, आपको मिल जाएगा, और साइकोलॉजी का भी कुछ कुछ तैयार हो रहा है, जो जैसी ही तैयारी होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको ग्रुप में कैसे जुड़ेंगे दोस्तों, तो देखिए पीडीएफ आपको मिलेगा कैसे वो बता देते हैं। पीडीएफ सिंपली मिलेगा, जैसे हम क्या हम लोग 2022 में क्या किए थे कि हिस्ट्री के लिए अलग ग्रुप बना दिए थे, ज्योग्राफी के लिए अलग, पॉलिटिकल के लिए, अब वहां पर क्या किए थे कि जो भी अगर हिस्ट्री का लिया तो उसको हिस्ट्री में जोड़ दिए, कोई अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों का ले लिया तो उसको दोनों ग्रुप में जोड़ दिए, कोई अगर सभी का ले लिया सभी को जोड़ दिए, कोई अगर एक सब्जेक्ट का लिया तो सिर्फ एक स्टूडेंट को वहां पर जोड़ दिए, ठीक है। तरीके से पीडीएफ मिलेगा। अब दोस्तों ये कोर्स ज्वाइन कैसे करना, तो देख लीजिए अकाउंट नंबर आपका, ठीक है, यानी कि इसमें आपको अगर पेमेंट करना है, पहले पेमेंट करने के बाद ये पेटीएम नंबर है या फोन पे या गूगल पे, ठीक है, तो इसमें से किसी में भी आप पेमेंट करें, पेमेंट करने के बाद आप स्क्रीनशॉट जो है बाकी बच्चों की तरह आप भी फिर आपको जो है सेंड करना, ठीक है। अगर आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं दोस्तों तो आपको सिलेबस के पता होनी चाहिए, ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, कम भी नहीं पढ़ना है, बस आपको अपने सिलेबस के मुताबिक पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, प्लीज मेहनत कीजिए, वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए, और जैसे ही सभी सब्जेक्ट का तैयारी शुरू हो गया है, हिंदी का भी तैयारी जो है शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच।